बांदा जनपद के बबेरू क्षेत्र के औगासी पर यमुना नदी में 2011 में पिछली सरकार में शिलान्यास हुआ था। सरकार बदलने पर पुल का निर्माण ठप हो गया था। वर्ष 2017 में योगी सरकार बनने पर लोगों को उम्मीदें बढ़ गई थी कि अब पुल का निर्माण होगा, लेकिन कार्यदायी संस्था ने लागत दूनी बढ़ा दी। उम्मीदें दिखाई न देने पर भाजपा नेता महेश त्रिपाठी अनशन में बैठ गए। बबेरू विधायक चंद्रपाल कुशवाहा ने अनशन समाप्त कराकर भरोसा दिया था कि पुल का निर्माण कराने का भरसक प्रयास किया जाएगा। विधायक ने पुल निर्माण के लोक निर्माण मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक आवाज उठाई और पुल निर्माण के लिए धन आवंटित कराया। पुल का निर्माण युद्ध स्तर से कार्य चालू हो गया, लेकिन बरसात में बाढ़ की वजह से कार्य ठप हो गया। यमुना नदी का जल स्तर कम होने पर फिर से कार्य तेजी से चालू हो गया। बबेरू विधायक सेतु निगम के प्रबंधक के साथ कई बार पुल निर्माण का निरीक्षण किया। पुल का कार्य बड़ी तेजी से चालू हुआ। पुल की एक खंभे की बीम पड़ चुकी है, सिर्फ अब छत पड़ने का कार्य बाकी है, जो बहुत जल्द पक्का पुल बनकर तैयार हो जाएगा। विधायक चंद्रपाल कुशवाहा ने बताया कि चुनाव के बाद पुल से आवागमन सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाएगा। बबेरू क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है, जो आवागमन बहुत सुगम हो जाएगा। मैं आपको अवगासी घाट के पक्के पुल निर्माण की ओर ले चलता हूँ, जहाँ पिछले बसपा सरकार में 2011 में पुल का शिलान्यास हुआ था और पुल का निर्माण शुरुआत हुआ और सरकार बदलने के बाद पिछली सरकार आई तो पुल का निर्माण ठप हो गया था। जो यह पुल का निर्माण अधर में पड़ गया था, जो बबेरू विधायक चंद्रपाल कुशवाहा ने भारी मशक्कत करने के बाद धन आवंटित कराया और पुल का निर्माण लगभग 99% पूर्ण हो गया है और बहुत जल्द पुल का आवागमन शुरू होने की संभावना है। केवल एक पिलर की केवल छत भर बाकी रह गई है और आप देख रहे हैं पुल की ओर कि पुल पूरा निर्माण हो चुका है। सिर्फ एक खंभे में पुल का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, जो लगभग 15-20 दिनों बाद वह भी निर्माण पूरा हो जाएगा। मैं यहाँ के जो आवागमन कर रहे हैं तो मैं अभी उनसे मैं बातचीत करता हूँ और आपको पुल के निर्माण के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। भाई साहब, आइए, आप कहाँ के निवासी हैं? जी, हम बिसंदी के निवासी हैं। तो आप पुल देख रहे हैं कि ये पुल का निर्माण हुआ है? ये 2011 से इस पुल की शुरुआत की गई थी, कई सरकारें आईं लेकिन अभी तक इसका कार्य पूरा नहीं हो सका। लेकिन अब चंद्रपाल माननीय चंद्रपाल कुशवाहा जी के विधायक जी के माध्यम से इस पुल का काम बहुत तेजी से हो रहा है, जो कि 15 दिनों में पूरा बन के शुरुआत चालू हो जाएगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक के लिए आवागमन शुरू हो जाएगा? ये अवगासी पुल है, ये यहाँ से जाने के लिए जैसे हम फतेहपुर जाना है, चित्रकूट जाना है, तो साल्ट कट के रास्ता है इससे। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत आवागमन के लिए रास्ता हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब अगले युवा साथी से पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ के निवासी हैं भैया? जी, मैं बड़ा गांव से का हूँ। आप पुल का निर्माण देख रहे हैं, कब तक चालू हो जाने की संभावना? 15-20 दिन में संभावना है चालू हो जाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरे साथी हैं, आप भाई साहब कहाँ के निवासी हैं? हम हरदौली के हैं। आप पुल का निर्माण देख रहे हैं, इसमें बबेरू विधायक ने काफी प्रयास किया है, क्या बहुत जल्दी चालू हो जाएगा? ये जो है लगभग 15-20 दिन में ये जो है चालू होने वाला है और इस पुल के बनने से बहुत अच्छी सरलता वाहनों को मिलेगी। रायबरेली, अमेठी, कानपुर, ये बहुत शॉर्टकट रास्ता है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। ये मतलब अवगासी का पुल बन जाने से पन्ना से सीधा लखनऊ रायबरेली हो करके लोगों को आवागमन के लिए बहुत अच्छा सुगम रास्ता हो जाएगा और जो लोग दूर दूर से घूम करके जाते थे तो उनके लिए बहुत अच्छा सुगम रास्ता होगा। शिवलाल शर्मा, जिला संवाददाता R9 भारत से, कैमरामैन विवेक सिंह, बांदा। बांदा जिला संवाददाता R9 भारत से शिवलाल शर्मा, कैमरामैन विवेक सिंह के साथ।